ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना, साधना किसकी साधना? भगवान की। भगवान की आप क्या क्या साधना करते हैं? भगवान तो बेचारा अपने आप अपने काम में लगा हुआ है, न उसको किसी की साधना सुनने की फुर्सत है, न देखने की फुर्सत है, न साधना की कोई ज़रूरत है। साधना जो हम करते हैं सिर्फ अपने लिए करते हैं। साधना का क्या अर्थ होता है? साधना का अर्थ होता है साध लेना, संभाल लेना, तपा लेना, गर्म कर लेना, शक्तिमान बना देना, ये सारे अर्थ साधना के होते हैं। मैं थोड़े से उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। उपजाऊ जमीन होती है वो तो होती है, लेकिन जो ऊसर बनी हुई ज़मीनें होती हैं, बंजर ज़मीनें होती हैं, उनमें से थोड़ी सी ऊपर की तह उठा देते हैं और नई अच्छी वाली डाल देते हैं, खेती होती है उसमें, बड़े मज़े बगीचे लगते हैं। साफ करना पड़ता है। मालियों को देखा, कोई कोई माली ऐसा गजब करते हैं कि एक ही पेड़ में कलमें इस तरह की लगा देते हैं कि कई रंग के कई तरह के फूल आते हैं और कई तरह के फल आते हैं। लोग अचंभे में रह जाते हैं कि भाई ये कैसा हुआ। बेचारा मेहनत करता है, अपना अपना दिमाग लड़ाता है, अपनी कोशिश करता है, दिन और रात देखभाल करता है। जो कोई एक कलम खराब हो जाती है फिर दूसरी लगा देता है। सोना, सोने की आपको डली दें और आप ये कहें कि इसका जीवन बना लीजिए, आप बना सकते हैं? नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म किए बिना इसको हम ढाल नहीं सकते। गर्म किए बिना तो आप हम ये भी नहीं बता सकते कि असली सोना है कि नकली सोना है। नकली लिया हमें, पीतल लिया हमें, कैसा भी है, ये सोना है, सोना खरीद लीजिए। हम कैसे खरीद लेंगे आपका? इसको दो बार हमको ये करना पड़ेगा, कसौटी पर लगाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये असली सोना है या नकली सोना है। तपाना पड़ेगा, तपाने के बाद में ये देखना पड़ेगा कि असली सोना है कि नकली सोना है। जब असली और नकली की जानकारी हो जाएगी तब सोना खरीदा जाएगा, तभी इसका जीवन बनेगा, तभी इसका स्टेनलेस स्टील बनेगी, तभी इसका फौलाद बनेगा, तभी बंदूकों के तोहफों के काम आने वाला जो बहुत मजबूत लोहा होता है वो बनेगा। गर्मी नहीं दे तब तब कच्चा रखा रहे। गर्मी देने से इंसान भी है, इंसान अपने आप को गर्म करता है, अपने आप को तपाता है, अपने आप को फौलाद बनाता है। पानी की भाप बन जाती है, तो आपने देखा है ना, पानी को जब गर्म करते हैं तो भाप बन जाती है, भाप रेलगाड़ी को घसीट ले जाती है। कितने डिब्बे उसमें होते हैं, इंजन को घसीट ले जाती है और डिब्बों को घसीट ले जाती है। कौन बढ़ती जाती है? स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम वही होती है जो जब आप पानी गर्म करते हैं तो ऊपर निकलती जाती है। ये एक जगह स्टीम को कर लेते हैं तो ये हो जाता है। गर्म करने से रस भस्म बन जाती है, लोहे का टुकड़ा था लोहा भस्म बन जाता है, मांडूर बन जाता है। और पारा का जब भस्म कर देते हैं ऐसे देते हैं तो फिर ऐसा शानदार ऐसी शानदार दवा बन जाती है मकर के। और उसको नहीं करें तब नहीं करें तो रखा जाएगा पारा, फिर आप नहीं खा सकते, फिर आप पारा किसी काम नहीं लगा सकते, फिर पारे को आप 200 रुपया थोड़ा नहीं बेच सकते। माँ अपने बच्चे को गोदी में लेने की इच्छुक होती है, गोदी में ले लें, लेकिन बच्चे ने टट्टी कर ली और टट्टी से कपड़े मैले कर ली और अपने बाल भी टट्टी में सान लिए और हाथ में सान लिए। जैसे ही माँ उधर से निकली बच्चा रोने लगा, मम्मी दूध पिएंगे, गोदी में आएंगे ना, है तो माँ का बच्चा पर गंदे को लेगी क्या? गोदी में गंदे को नहीं ले सकती। माँ ने कहा नहीं नहीं गलत गलत बात है, अभी ठहरना पड़ेगा। माँ ने पानी लगाई, गर्म पानी लाई, गर्म पानी से उसको धोया, पुराने वाले गंदे कपड़ों को उतारा, साफ कपड़े पहनाए, जहाँ जहाँ उसको टट्टी लगी हुई थी सब धोई, उसके बालों को धोया, हाथों को धोया, साबुन से धोया, फिर सुखाया। सुख करके जब बच्चा ठीक हो गया तो उन्होंने छाती से लगा लिया, गोदी में ले लिया, ये कर लिया। भगवान भी ठीक इसी तरह के आदमी है। मैंने कुछ अरे आदमी को नहीं देखते, नापसंद करते भगवान नापसंद करते हैं। हर आदमी से ये कोशिश करते हैं कि कोई मेरा कुचल आदमी ना हो, साफ सुथरा आदमी हो। साफ सुथरा मेरा मतलब शरीर से नहीं है, शरीर से नहीं है, मैं भीतर से भी है। पूजा पाठ करने आप जाते हैं तो साफ सुथरा कर रखते हैं कि नहीं रखते? कमरे को साफ करते हैं, शरीर को साफ करते हैं, कपड़ों को साफ करते हैं, बर्तनों को साफ करते हैं, सब कुछ जो पूजा का घर है उसमें साफ सुथरापन से जाया जाता है। मेरा कुचालेपन से नहीं जा सकेंगे, आप जूते पहन के जाएंगे कैसे बात बनाएगी? नहीं बनेगी बात। इसलिए साफ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है। और जब मेहमान घर आते हैं तब, लड़की की शादी होती है, जब मेहमान आते हैं तो घर आप पोतते हैं कि नहीं पोतते?
दिवाली जी दिवाली आती है, लक्ष्मी जी आती हैं, तो घर के और कमरों को आप लिपाई पुताई करते हैं कि नहीं करते? और भगवान को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, मान शक्तियों को अपने भीतर बुलाना चाहेंगे तब, तो अपने आप को साफ करेंगे नहीं करेंगे? साफ सुथरा रखेंगे नहीं रखेंगे? तपश्चर्या ऐसी का नाम, तपश्चर्या ऐसी का नाम है, साधना ऐसी का नाम है कि अपने अंदर से जो बुराइयाँ हैं, जो हमारे अंदर की भूलें हैं, अपने अंदर जो कमियाँ हैं, अपने अंदर जो दोष और दुर्गुण हैं, अपने अंदर जो कसार और कलमस हैं, इनसे जद्दोजहद करने में, लड़ाई लड़ने में जो मेहनत करनी पड़ती है, कठिनाई उठानी पड़ती है, वो सारी की सारी हम कठिनाइयों को खुशी खुशी उठाएँ, इसी का नाम है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है साधना। साधना इससे कम है नहीं। दिस वीडियो इज प्रोड्यूस्ड बाय www.awgpsouth.org www.awgp.org www.th8revolution.com www.e-gurukul.net